और भी बढ़िया टैंगी टेस्ट देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस। तो बस राजस्थानी हरी मूंग की दाल बिल्कुल तैयार है। जायका फ्यूजन में मैं आज आपके लिए हरे मूंग की दाल बना रही हूँ। तो मैंने दाल को बहुत अच्छे से दो चार बार पानी में धो लिया है। अब मैं इसमें एक छोटा प्याज डाल रही हूँ, एक बड़ा टमाटर, टमाटर को इस तरह से काट लिया है, तीन लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च और एक तेज पत्ता। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूँगी और 4 से 5 सीटी लगा लेनी है। सीटी लगाने से पहले मैं बताना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने मिलाया है, 1/2 चाय का चम्मच। 4 से 5 सीटी में दाल बिल्कुल उबल गई है। अगर आपकी दाल नहीं उबले तो 2-3 सीटी आप और ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 4 से 5 सीटी में दाल उबल जाती है। तो देखिए ये टेक्सचर आया है इस टाइप का। अब इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा घोट लीजिए। अब हमने एक कढ़ाई ले लिए है और उसमें 1 चाय का चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब उसके ऊपर मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालूंगी, करीब 1 टेबलस्पून। अब इसको गरम कर लीजिए। घी और ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी, फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए। और 1/2 चम्मच डाला है मैंने सौंफ, 1 सिनेमन स्टिक, 1 हरी इलायची छोटी इलायची और 2 लौंग। हाफ मिनट बाद इसमें ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज काट के रखा है, मैं इसको डाल दूंगी। और करीब 1 मिनट इसे फ्राई कर लीजिए, लेकिन ख्याल रहे कि प्याज को हमें जलाना नहीं है, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। अब 1 मिनट बाद हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे जूलियन की हुई अदरक और 1 हरी मिर्च काट के रखी थी मैं वो डाल दूंगी। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। 1/2 मिनट और फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1 चम्मच मिलाएंगे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मिलाएंगे धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंगली लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाले नहीं जल जाएं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, पहले भी हमने दाल को उबालते टाइम इसमें नमक डाला था। और थोड़ी सी मिलाएंगे चीनी, वैसे तो चीनी राजस्थानी डिशेस में बहुत कम यूज होती है, लेकिन मैंने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी मिलाई है। मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए इसमें ऑयल अलग हो गया है। अब हम ये दाल इसमें मिला देंगे। साथ ही साथ मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, आपको जितनी पतली दाल रखनी हो उसी हिसाब से आप पानी मिलाइए। दाल जब उबलने लगे मसालों के साथ तो उसमें मैंने कसूरी मेथी मिलाई है और 1/2 चम्मच मिलाया है कुटी हुई काली मिर्च, अच्छे से मिला लीजिए। अब हम कलर के लिए इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे। कश्मीरी मिर्च मिलाने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो हम ढक्कन हटा लेंगे तो हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक तड़का तैयार कर लेंगे दूसरे पैन में। हम तड़का देसी घी में लगाएंगे। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च को तोड़ लीजिए। 1 पिंच डालेंगे हींग और
और डालेंगे कड़ी पत्ता। हाफ मिनट इसे अच्छी तरह से क्रैकल होने दीजिए। बस अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और ये तड़का मुझे दाल में मिलाना है। अच्छे से मिला लीजिए और दाल को तुरंत से ढक दीजिए एक मिनट के लिए। अब एक मिनट बाद ढक्कन को हटा लीजिए और फ्लेम को फिर से ऑन कीजिए। ढक्कन लगाने से जो तड़के की खुशबू है वो दाल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। हमारी टेस्टी वाली दाल तो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे और ये मैंने एक हरी मिर्च इस तरह से काट के रखी है, इसको ऊपर से डाल देंगे। ये जूलियन किए हुए अदरक हैं, इनको भी डाल देंगे और हरा धनिया। और भी बढ़िया टेंगी टेस्ट देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस। तो बस राजस्थानी हरी मूंग की दाल बिल्कुल तैयार है। मैं अब इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। इसे आप रोटी, चावल या पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है। तो इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपने किस तरह से तैयार की और कैसी बनी।